कलगीधर पिता का आगमन पुर मना रहे हैं, सिखा करे जीवन वाल देखने का यत्न कर। तेन परोस के तीन चीजें दी ग्लैमर रोमांस ये जो चीजा सभ्याचार यह तीन चीजें का गोला बना लिया। एक ग्लैमर रोमांस सभ्याचार यह गोला जिदी पग च वज गया पग उड गई, यह गोला जिदी दाढ़ी च वज गया दाढ़ी उड गई है। यह तीन चीजें की आसी गोली साढ़े घर में वज गई है। यह तीन चीजें जिसे घर में वज गई हैं, जे पग दे वजी पग उड गई है, दाढ़ी उड वजी दाढ़ी उड गई है। ये जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार असं सारे हैं, असं परिवार के आगू हाँ। ख्याल करो उसे सुनाया गया सभ्याचार की मैं बेनती कर रहे हैं। ये सभ्याचार हीर ते रांझे का बंदा पूछे भी रांझे का काम की सी? भाई गुरदास साहब ने अपनी बाणी च ना लिखिया, नहीं तो ना रहना भी औखा है। 12 साल किसी के घर जाके बैठा रहा भी कदों समा ला लिया घरों ती कढ के लैके जावा, यह सभ्याचार है? ये कलंकट ने न्याणे समाज के उत्ते। मिर्जा नाल के चला गया, मासी धी भैन कढ के लै गया, पर हां पता लगा वढ के टोटे करता आ साडे कलाकार कद्दू च पा के काना यार किले किले गाई है। साडा सभ्याचार सिखा तेरा सभ्याचार सरहंद की दीवार दा सी, तेरा सभ्याचार चमकौर की जूह दा सी। हैरान हो जी रहा आ सभ्याचार के नाम के उत्ते परोस परोस के की दिता जा रहा है। ऐस वक्त देखियो करेर दब के भोले बरोले नेर, असी दही दे भुलेखे पानी रिड़क रहे हैं। उत्थे ही नाच गाना हो रहा, बापू भी उत्थे नाच रहा, परोस के की दिता जा रहा। घर की शराब हो सरों का साग, दसो कि वड्डा खलाक आ भी यह, एक किड्डी वड्डी गल आ भी यह। इस वास्ते आप कहने मसा रंगड़ दरबार साहब के अंदर वे सेवावान का नाच नचाया। ये गुरु प्यारे जो मैरिज पैलेस में बैठे गोल टेबल के उत्ते, हूँ तो कुड़ियाँ वर्तौन वास्ते आ गई, बंदा दारू पी रहा है, अपनिया पोतरिया वर्गिया कुड़िया थोड़े थोड़े कपड़े पा के नच रही, मेरे वर्गिया धौलिया दाड़ियां बैठिया देख रही, कितने रखा असं? इस वक्त देखियो कबीर दल के भुल है बरोले नहीं, असं कहने न्याणे आखे लगते, न्याणे परोस के दिता है कि आया न्याणे असं गुरबाणी परोस के दी है कि आया अस साढ़े घर गुरबाणी के गुटके हैं कि आया साढ़े घर कोई शब्द को समझने वास्ते विचार है? ये नहीं है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार मापे ने, मापे बच्चे एक वखरा सब्जेक्ट आ, फिर कदे समा बनया ना बच्चे मापे की जिम्मेवारी है गुरबाणी अनुसार, कुड़माचारी की है गुरबाणी अनुसार आप समझना है। आ समझियो हुण ए नेत्रो मेलो हाथ तो मैं जो तरी हार मैं आओ ना, देखो की देख रहे आप थोबे। गुरु प्यारे गुरमत ज्ञान मिश्री कॉलेज वालों ना एक लहर चलाई है भी पिंड संभाल, असी प्रचारक तैयार करते हैं गुरु प्यारियो, प्रचारक पिंड बिठा दें, एक पिंड प्रचारक बैठ के बच्चों गुरबाणी सिखा। 70 के करीब प्रचार केंद्र खोल दिते, 70 के करीब एक प्रचारक एक लैपटॉप प्रोजैक्टर एक मोटरसाइकिल लिटरेचर दे के पिंड के बच्चे बच्चों गुरबाणी पढ़ाने का यत्न करा रहे हैं। पिंड वाले तनखा देंगे रहायश देंगे। 70 प्रचार केंद्र एक प्रचारक 1200 बच्चों एक वीक की गुरबाणी पढ़ा रहा है। असं यत्न किया कि आप अपने पिंड संभालिए, नौजवान पीढ़ी संभालिए। मैं याद है आदमपुर के लागे साडा कैंप लग्या, तो एक नौजवान बच्चा उहदे मापे साडे प्रचारक कोले आए, वह कहन लगे इस बच्चे को घर जगह बन गई मत्था टेके। जगह की सी? कहिंदे जी साढ़े घर कलेश बड़ा रहिंदा, सियाने कोले चले गए। सियाना कहिंदा पीर रहिंदा तुहाडे घर, पीर ते पीर खुश कर देना हुंदा। पंजाब दे बहुते पीर शराब की बोतल नाल खुश हुंदे जी, पंजाब दे बहुते पीर शराब की बोतल नाल खुश हो रहे जी। खैर इह सब्जैक्ट नहीं आईदा, मैं गुरपुरब वाले साहिब वाले जीवन वाले मैं मुड़ना आ। मैं ये समाजिक बुराइयां दस रही हां ते इस वक्त अज देखियो कबीर दब के भुल है बरोले नीर, जिस गुरु ग्रंथ साहिब माला भेट कीता असी मेहनत अपनी मेहनत मशक्कत कोई गुरु साहब के चरणों में माया अर्पण की है समाज के भलाई के कामों वास्ते, पर गुरु साहब की आप गल मन वाल ध्यान नहीं दिता। कहते पीर की जगह बन गई है, पीर खुश किया हों जी दीवा जगह जो पीर खुश हो जाता। ख्याल करो अपने पिंड इधर जगह बन गई है, घर में जो दो इटा रख के थले दीवा जगाता, मत बच्चे कहते टेक मत्था, कहना मैं तो नहीं मत्था टेकना, कहते क्यों
कहने मैं गुरमुख की क्लास में गुरबाणी पढ़ आया। वो कहते भी गुरबाणी पढ़ेंगे घर सुख शांति हो जू। वो साढ़े प्रचारक को आ गए, उन्होंने कहें भी इन्हू कहो मथा टेके। वो कहता मथा मैं नहीं टेकना। वो कहते सुख शांति आ जाओ। वो कहता भी जे मेरा पापा है अज शराब छाड़ दे कल सुख शांति आ जाओ। ये पापा मेरा शराब नहीं छाड़ता सुख शांति कितों होनी है। इस वास्ते गुरु प्यारे बच्चे ने गुरबाणी पढ़ी तो घर में सुख शांति आ गई। कबीर साहब का बड़ा प्यारा वाक इस देखियो कबीर दद के भोले बरोले नेर। असी गुरु ग्रंथ साहब का रस्ता छड़ के गुरु ग्रंथ साहब की बाणी छड़ के असी पानी रिड़क रहे हैं। समाजिक बुराइयों में असी फस चुके हैं, बहुत बुरे तरीके फस चुके हैं। समाज के विच पंजाब की धरती उत्ती अज किन्ने डेरे बन गए जिन्होंने शराब चढ़ रही है। तो शराब कौन चढ़ा रहा है? आपे चढ़ा रहे हैं, साढ़े पंजाब के भी चढ़ा रहे हैं। यदा अर्थ है कि प्रचार की घाट है। ट्राली ने लिखा होंगे जे मेरा रुसे ना कलगिया वाला जग भावें सारा रुस जाए। रखिया की है जोड़ी शराब नहीं कितने जाना मैच पैलस में गल करो कर लिखा की होंगे। इस वास्ते असी इस वर्चा देखियो कबीर दद के भोले बरोले नेर। हरी अंगूरी गधा चरे नित उठ हासे हींगे मरे। अगला प्रतीक दिता गधे का। किसान ने कणक बीजी है, दाया पाई यूरिया पाया, 40 किलो बीज लिया, दवाई लगाई उन्हें बीज दी, चप्पा चप्पा कणक हुई है। हुण गधा वड़ गया खेत दे विच। हुण जिस किसान ने दाया पाई है यूरिया पाई है 40 किलो बीज मुल लिया उहदी कणक गधा खाएगा। गधा ते किसान की करेगा? तां भला करेगा ना। किसान उहदे खुड्डे भनेगा, उहदे हड्ड भनेगा, उहदे हड्ड सेकेगा। गुरु प्यारियो ये गधे वास्ते बाणी नहीं है, गधे का प्रतीक ला के सानू समझाया है। साडा सुभा गधे वर्गा, गधे वर्गी जून। फीलर बाबी बलत पखावे कौआ ताल बजावे, बड़े प्यारे शब्द है। देखने असी मनुख लगते हैं पर असी वख वख जूना भोग रहे हैं। देखने असी मनुख लगते हैं मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान। बड़ा प्यारा वाक है। नरू मरे नर कामना आवे, पशु मरे दस का सवारे। पशु का प्रतीक क्या गुरबाणी में? पशु का प्रतीक हैगा आ कि पशु जन्म मां मानस मूर्त नान मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान। करतूत पशु की मानस जात। नरू मरे इंसानित मर गई, सुचे नान विचो इंसानित मर गई है। नरू मरे नर कामना आवे जिचो इंसानियत मर गई है, बंदा किसी काम का नहीं है। पशु मरे जिस पशु बिरती मरती है वह दस काल सवार समर्थ हो जाता है। तो गधे का प्रतीक लिया आ गुरु प्यारे। असी देखने मनुख पर बिरती साड़ी गधिया वाली केड़ी? हरिया गूड़िया चुभ रहा, हरिया गूड़िया। सोटा कहड़ा वजदा जो डॉक्टर कहता भी जो गांह पीवेगा ना हूँ तेरिया दोनों किडनिया खराब हो गई ने हरा जो सोटा वजदा। ये बंदे पता लगता बंदा जेल तुर जाता है। हरी अंगूरी गधा चरे बंदा हरिया गूड़िया खा रहा है। नित उठ हासे हींगे मरे। फिर गुरु प्यार वाले सोटा वजदा फिर पता लगता है अज समाज हरिया गूड़िया चुग रहा है। गुरु का पला छड़ के ते समाजिक बुराइया वाले पासे धर्म के अंध विश्वास वाले पासे जा रहा है। ये बंदे की फिरता ऐसा आ भी दारू छड़ भी देवे ना, ये फिर भी छड़न लई तैयार नहीं। एक बंदे नूं कहा वेख्या भी छड़ दे भी दारू ना पिया कर, दारू बड़ी माड़ी होंदी है। कहिंदा छड़ दिंदे आ तुहाडे कहे ते छड़ दित्ती उहने, 6 महीने लंघ गए। कहिंदा बल्ले भीड़िया भी तेरे वर्गा बंदा को है जिन्हें 6 महीने दारू नहीं पीती? कहिंदा बल्ले बल्ले मेरे वर्गा कोई दुनिया दे बंदा नहीं हो सकदा जिन्हें 6 महीने दारू नहीं पीती, अपने मोढ़े ते आपे थापी दे के। कहिंदा भीड़िया फिर इसे खुशी में एक एक पैक हो जाए। छड़ी तो है पर छड़न लई तैयार नहीं है। हरी अंगूरी गधा चरे नित उठ हासे हींगे मरे। माता भैंसा हमुआ जाए कुद कुद चरे रसातल पाए। अगला प्रतीक अगली जून अगला सुभाग केड़ा दिता है? और गुरु प्यारे मरण की बाद भी जून। मैं तो कई बार बेनती करता हूं कि जेड़े वीर भैन भरा बाहर के मुल्क गए उन्होंने कुत्ते देखे होना, कुत्तियां की रहायश किहो जी है, खुराक किहो जी, उन्हों की डॉक्टरी उन्हों की किहो जी है। तो अपने मुल्क अंदर पुलों थले लोग रह रहे, मैं हैरान हो जाता। कहें जी 84 लाख जून चो बंदे जून वधी है, आ 84 आ पुलों थले लह रहे भी ये मनुख नहीं है। उन्होंने उत्थे कुत्ते उत्थे गाइयां, पर साडे मुल्क अंदर बंदे नहीं लैण दी थां नहीं है।
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਏ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਨ ਚ ਲੱਗ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਬੀਬੀ ਲੈਨ ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਟੋਇਲਟ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਨੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ ਮਾਤਾ ਪੈਸਾ ਅਹਮੂਆ ਜਾਏ ਕੁਝ ਕੋ ਚਲੇ ਸਾਤਲ ਪਾਏ ਝੋਟੇ ਦੀ ਫਿਰਨਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੋਟੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਪਸਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਜਾ ਘਸਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਟਾਲੀ ਹੋਵੇ ਬੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਘਸਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਧੀਪਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇਖਿਓ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੰਗਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤਾ ਛਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਆ ਪਟਕਾ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਟਕਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਜਰਦਾ ਮਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਪਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਾਂ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਕਫ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ 17,000 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੀਬੀ ਆਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 1200 ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1700 ਕਰ ਦਿਓ ਆਏ 8-10 ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤ ਛਗੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੈਸਾ ਹੁਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇਡ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭੇਡ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਲੇਲਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇੜੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੇ ਨਿਤ ਭੇੜ ਭੇੜ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭੇੜ ਕੀ ਹੈ ਮਤ ਤੇ ਲੇਲਾ ਕੀ ਆ ਮਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤ ਲੈਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ
ये फैसले सही नहीं करता, जो मन है ना ये फैसले सही नहीं करता। सियाने कहते हैं मन।